हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा गोवा का लास्ट डे और हम लोग आज चेकआउट करने वाले हैं और हुआ है हमारा चाय का टाइम, टी टाइम हो गया। इमरान वॉशरूम गए हैं बट आज चेकआउट करे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत ही अच्छा इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना अच्छा व्यू रिसोर्ट था, इतना अच्छा सब कुछ, व्यू वगैरह बहुत बहुत अच्छा लगा गाइस। और अब क्या बोलूँ, चलते गैलरी में चाय पीने के लिए। मेरा सुबह मॉर्निंग का व्यू तो बहुत प्यारा है, उसमें चाय। आप भी आए इंशाल्लाह तो कर्मा में रुकना। लेकिन मैंने नहा लिया है, हेयर वॉश वगैरह भी हो गया है मेरा, मैं हो गई रेडी, इमरान रेडी हो रहे हैं। और गाइस लास्ट डेट है इसलिए आपको कुछ बताना है कि गोवा ट्रिप कितना कम बजट में कैसे करें, ये तो सब सर्च करते जब पता चल गया था। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, आप जहाँ से भी आ रहे हो तो आप तो बाय ट्रेन बाय फ्लाइट जैसे भी आओगे, ठीक है। आप जब भी गोवा में आओगे रूम के लिए बार्गिंग कीजिए, आपको रिसोर्ट में बार्गिंग नहीं होगा लेकिन रूम के लिए बार्गेनिंग कीजिए, काजू के लिए कीजिए, ड्रेसिंग के लिए कीजिए, सब होता है। इवन आप बाइक लोगे रेंट पे, उस पर भी आप बार्गेनिंग कर सकते हो, सब होता है गोवा में, सब कुछ होता है। और उसके बाद नाइट क्लब जब आप जाओगे और कभी किसी ने बोल दिया 1000 रुपया है, आप उनको बोल सकते हो कि हमने तो सुना 500 रुपीज़ है, और होता है, हो जाता है। और ऑफ सीज़न में तो 500। बस अभी हम लोग जब निकलेंगे चेकआउट करेंगे हमारे कर्मा रिसोर्ट से, तो मैं आपको फिर कैसे हम लोग चेकआउट करके, अभी हमारा ट्रेन तेजस ट्रेन है, हमारा रिटर्न तेजस में ही, तेजस ही है हमारा, तो हम उसके लिए रेडी हो रहे हैं। और अब हम लोग का ट्रेन कुछ 3:15 पर है। तो बस आज का लास्ट डे इन्जॉय किया, बहुत बहुत अच्छा लगा हम लोगों को बहुत। आप भी आइए गोवा, हर आम इंसान आ सकता है, इन्जॉय कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है रिसोर्ट में रुकना। ये रिसोर्ट में तो एक्चुअली मेंबर्स होते हैं कुछ कुछ रिसोर्ट्स में, और ऑनलाइन होता है, तो आप आ सकते हो। नॉर्मल से रूम यहाँ पर 1000 में 800 में भी मिल जाते हैं, तो आप 3-4 दिन रहो। खाना भी बहुत सस्ता है, फ़िश थाली हो गया, मटन थाली हो गया, राइस हो गया, बहुत सस्ता है, आप खा सकते हो। जैसे हम अपने घर खाते हैं तो ऐसे खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हीकल जैसे अपना बाइक हो, जैसे कि क्लबिंग भी अच्छे हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा इंजॉइंग है, तो नाइट क्लब में भी जाइए ज़रूर। 500 से स्टार्ट है डांस वगैरह, और स्टार्टर वगैरह का तो अलग से कुछ पैसा लगता है, तो उस पर GST है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। आप अगर 500 भरने के बाद अगर उस पर कुछ खाते हो तो उस पर GST कंपलसरी, GST है हर नाइट क्लब में, और हर नाइट क्लब अच्छे हैं। सिर्फ एक माया है जो उसका रिव्यू अच्छा नहीं है, वो 1500 ले रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। तो इसलिए हो सके तो जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उसके लिए बता रही हूँ कि माया में ना जाइए, जितना बड़ा अमाउंट और जितनी बड़ी क्लब रहेगी उसमें ना जाओ। आप जितना छोटे से छोटे क्लब में जाओगे इंजॉय करोगे, आप खुद ग्रुप ढूंढिए, ग्रुप में इंजॉय कीजिए, अपना ग्रुप बनाइए और बहुत बहुत इंजॉय कीजिए। तो ये मैं आपको सब बता रही हूँ कि ताकि आपको, अगर मेरी वीडियो देख रहे, जो जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, तो उनको ये पता चले कि गोवा में क्या क्या। तो ये रिसेप्शन पे गए इमरान, चेकआउट हो गया हमारा, 1300 बचा तो उसमें 500 ले सकते हो। कुछ भी नहीं, नाश्ता कर लेंगे फिर आपने को आपके पार्सल या मड़ियों में खा लेंगे। हम लोग ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और अभी लंच भी करने, नहीं लंच हम लोग पार्सल लेके जाएंगे क्योंकि 3:15 का ट्रेन है ना, 3:15 का, तो हम लोग सोच रहे हैं कि पार्सल लेके चले जाए। यह है हमारा रेस्टोरेंट जिसमें हम लोग जा रहे हैं। Thank you.
फाइनली हमारा चेकआउट हो गया है, रिसेप्शन पे है। मैम आपका नाम? पल्लवी। मैम ने हमें अटेंड भी किया था स्टार्टिंग में जब हम आए थे रिसेप्शन पे, हेल्प भी किया। हाँ, और अभी जाने के टाइम भी वही है हमारे साथ। और दूसरा हमारा कर्मा का ग्रुप जो बन गया, हम मेंबर जो बन गए हैं, तो उसका एनवेलप हमारे सर के, रियाज सर के पास रहता है, वो मैम से कलेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर। और इमरान क्या बोलना चाहोगे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कर्मा का, इंशाल्लाह। यहाँ बच्चों के लिए गेम्स और टेबल टेनिस जो हम लोग खेल रहे थे, और सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक फुल हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो हमने किया। ऑलरेडी फाइनली जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। कैसे लग रहे हैं इमरान? इतना सारा टूर घुमा के पार्सल लेना बाकी है ना अभी। ओके बाय।